नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम किडनी में होने वाली पथरी या स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं। इसे हम रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे नेफ्रोलिथियसिस भी कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रीनल कैलकुलाई या स्टोन क्या होता है, ये किन कारणों से हमें हो जाता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, इसका मैनेजमेंट क्या होगा और फाइनली इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रीनल स्टोन में मिनरल और सॉल्ट मिलकर डिपॉजिट होकर एक पथरी जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यह स्ट्रक्चर या पथरी ये ब्लैडर में भी हो सकती है, यूरेटर में भी हो सकती है और किडनी में भी हो सकती है। इसे हम रीनल स्टोन कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पे है कि यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में रीनल कैलकुलाई की हिस्ट्री है तो रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक ही फैमिली में रहने के कारण, वाटर सप्लाई सेम होने के कारण, वाटर की क्वालिटी के कारण भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें नंबर टू ये होता है कि डिहाइड्रेशन के कारण भी पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, इसलिए यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है, क्रिस्टल ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं यूरिन में और वो जगह जगह कलेक्ट होने लगते हैं, इसलिए भी किडनी में पथरी की शिकायत हो जाती है। इसमें नंबर तीन पे ये होता है कि कुछ डाइट, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट या हाई सोडियम डाइट से भी शरीर में पथरी की शिकायत हो जाती है। नंबर चार देखा गया है कि कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे कि रिपीटेड उसको यूटीआई हो रहा है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। और एक चीज़ और देखी गई है, यदि मेडिकल सप्लीमेंट, कोई डाइटरी सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, यदि वो पेशेंट लेता है तो भी पथरी की शिकायत हो जाती है पेशेंट। अब हम इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें होता क्या है कि यदि पेशेंट को पथरी, बहुत छोटी सी पथरी यदि किडनी में होती है तो इतने सिम्टम्स फिर भी पेशेंट को फील नहीं होते हैं, लेकिन जब वह यूरिनरी ट्रैक्ट में या यूरिनरी सिस्टम में मूव करने लगता है वो स्टोन या पथरी, तो पेशेंट को सिम्टम बढ़ जाते हैं। उसमें नंबर वन पे ये होता है कि जब वह मूव करता है स्टोन तो पेशेंट को बहुत ही कटिंग, स्टिंगिंग पेन पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में फील होता है, और उसको ये पेन जो मेनली होता है वो साइड्स में फील होगा और लोअर रिब्स के नीचे की तरफ फील होगा, और जब तकलीफ बढ़ जाती है तो उसको ग्रॉइन रीजन में, लोअर एब्डोमेन में और थाइस तक और सब जगह ये दर्द स्प्रेड हो जाता है। इसके पेन के यदि कैरेक्टर की बात करूं तो पेन जो होता है वेव लाइक होता है, मतलब लहर जैसा होता है, आएगा पेशेंट को बहुत इंटेंसिटी से पेन होगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी घटती बढ़ती रहती है। इसमें यूरिन पास करने पर पेशेंट को बहुत जलन होती है और ये जलन बहुत टाइम तक बनी रहती है। इसमें एक सिम्टम और देखा गया है कि यदि स्टोन यूरेटर में या यूरेथ्रा में लॉज हो जाए, मतलब वहाँ फिक्स हो जाए, तो क्या होता है, पेशेंट के यूरिन का फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है, तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और फ्लो भी बहुत ही इंटरप्टेड आता है। जब यूरिन का फ्लो इंटरप्टेड हो जाता है तो यूरिन का रंग भी चेंज हो जाता है, पिंक, रेड या ब्राउन कलर का हो सकता है, और आगे हेमिचूरिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, मतलब ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आने लगता है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है, जब इन्फेक्शन बहुत टाइम तक बना रहता है, स्टोन बहुत टाइम तक बना रहता है, तो पेशेंट को फीवर भी आने लगता है, ठंडी के मतलब चिल विद फीवर उसको शुरू हो जाता है। इसमें एक बहुत कॉमन सिम्टम देखा गया है कि पेशेंट को पूरे टाइम कॉन्स्टेंट डिज़ायर बनी रहती है बाथरूम जाने की, लेकिन जब वो जाता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ये पास होता है और फ्लो भी इंटरप्टेड होता है। यहाँ पर यदि मैं इसके प्रिवेंशन की बात करूँ तो जो रिस्क फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उन सबको आपको अपने दिमाग में रखना है, जैसे कि पानी बहुत सारा पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, और भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अब मैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूँगी। दोस्तों, मैं इस केस में, रीनल स्टोन के केस में बहुत शोध हूँ कि होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो
होम्योपैथी है वो स्टोन को घुलाना शुरू कर देती है, जिससे कि वो स्टोन जो होता है यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। और इसकी जो क्वालिटी होती है स्टोन को घुलाने की, तो ये नया जो पथरी है या नया स्टोन है उसको भी डेवलप नहीं होने देती है। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को यूरिन जाने के पहले अपने फ्लैंक्स में, मतलब साइड्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है और फ्लो पास होने के बाद, यूरिन पास होने के बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है। जो फ्लो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, इसलिए पेशेंट को बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि पेशेंट को रात को जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। यदि ये सब सिम्टम पेशेंट को मिलते हैं और साथ में उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी मिलती है, मींस उसको लगता है इसका पेट फूला फूला रहता है, गैस भी बनती है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है रीनल कैलकुलाई के केस में, जब पेशेंट को साइड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको सब पेन ऐसा फील होता है कि उसके लोअर एब्डोमेन में और थाइस तक पेन रेडिएट हो रहा है, पेन एक वेव्स के फॉर्म में आता है और पेशेंट को यूरिन की कांस्टेंट अर्जिंग बनी रहती है, मींस बाथरूम करके आएगा उसको फिर अर्जेंसी रहेगी बाथरूम जाने के लिए, और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है, मतलब इंटरप्टेड फ्लो देखा गया है। और जब पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है तो उसकी यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, डार्क रेड हो सकता है। इसमें नंबर तीन पर मेडिसिन आती है कैंथरिस। दोस्तों यह मेडिसिन यूटीआई के केस में बहुत अच्छा काम करती, तो यदि बार बार यूटीआई होने के कारण पेशेंट को पथरी की शिकायत हो गई है, यदि पेशेंट अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रखता है, अच्छे से पानी नहीं पीता है, उसके कारण भी यूटीआई की समस्या हो गई है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों उस टाइम पर। और इसमें पेशेंट को मेनली उसको बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और जब वो यूरिन करने जाता है तो उसको बहुत ही बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है, और उसको ऐसा लगता है कि पेन उसके पूरे लोअर एब्डोमेन में और थाइस में स्प्रेड हो रहा है, और उसको यूरिन करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, उसको कांस्टेंट अर्जिंग बनी ही रहती है। तो यदि इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और साथ में पेशेंट को पथरी की शिकायत भी है, तो यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके किडनी की पथरी की शिकायत को ठीक करने में इससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो माय चैनल। थैंक यू।